मित्रों 19 साल से नवीन बाबू यहां पर है, 19 साल से। मुझे बताओ, हर गांव में घर में पीने का पानी नल से आता है क्या? आता है क्या? हर स्कूल के अंदर मास्टर है क्या? अस्पताल में डॉक्टर है क्या? युवाओं को रोजगारी मिलती है क्या? युवाओं को रोजगारी देने के लिए हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक जाना पड़ता है, यहां पर रोजगारी नहीं। मैं गुजरात से आया हूं, रोजगारी के लिए हजारों हजारों ओडियावासी गुजरात में आए हैं। मुझे तो गर्व है मेरे प्रदेश की धरती पर आप आए हो, मगर मुझे बताओ, जो ओडिया युवान गए हैं उनको अपनी युवा पत्नी और बूढ़े मां बाप के साथ रहने का अधिकार है या नहीं है? जरा बताओ, है या नहीं है? एक बार नवीन बाबू को उखाड़ कर फेंक दो, 5 साल में ऐसा उड़ीसा बनाएंगे कि रोजगारी के लिए किसी को बाहर नहीं जाना।